सब्सक्राइब करें हमारे पीके टेक्निकल एप्स चैनल को और बेल के आइकन को दबाएं हमारे वीडियो की अपडेट जल्दी से जल्दी पाने के लिए। टू माय न्यू यूट्यूब चैनल, इसका नाम है पीके टेक्निकल एप्स। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ कि आप आईफोन 7 के क्लोन्स इंडिया में किस वेबसाइट से खरीद सकते हैं और ये एसर्ड क्लोन होंगे या नहीं, और आईफोन 7 के क्लोन या फिर किसी भी आईफोन का क्लोन या फिर रिप्लाइका लेने आपके लिए सही रहेगा या नहीं। तो इस वेबसाइट का नाम है customdeals.in, यानी कि ये इंडिया की वेबसाइट है। और दूसरी बात कि यहाँ पे आईफोन 7 के ट्रू क्लोन्स हैं और इसमें फिंगरप्रिंट रियली वर्क करता है। इसका एक क्लोन मेरे पास भी है, तो मैंने अभी अपनी फेस कैम वीडियो नहीं बनाई है, तो मैंने अपनी फेस कैम वीडियो अपने दूसरे वाले चैनल पर अपलोड कर रखी है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ क्लोन्स के वो दिखा देता हूँ मॉडल्स। जैसे आईफोन 7 का ट्रू क्लोन है 1.1 वर्जन वाला, और iOS 10 से 32 GB तक की इसमें स्पेस मिल जाएगी आपको, तो ये ऑलमोस्ट 13,000 का है। और यहाँ पे आईफोन 7 का 64 GB वाला है जो ये 20,000 का है। तो आपको ये लग रहा होगा कि क्लोन भी ले रहे हैं और इसमें आपको पैसे भी ज़्यादा पड़ रहे हैं, पर इसका क्लोन जो है वो ट्रू USA का है और ये एश्योर्ड वेबसाइट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 GB रैम, 16 MP बैक कैमरा, और ये करीबन 15,000 का है। और ये सब आईफोन 7 के क्लोन है। अगर आप आईफोन 5 या फिर 6 के या फिर 6S के देखेंगे तो आपको यहाँ पे 8,000 रुपये तक के क्लोन्स मिल जाएंगे। तो ये क्या आईफोन 7 का क्लोन है, ये आईफोन 7 का है, ये ऑलमोस्ट 10,000 का है। तो मैं इसमें से आपको कोई भी एक ओपन करके दिखा देता हूँ, जैसे कि इसमें न्यू अराइवल है, तो मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मैं इसे ओपन कर रहा हूँ और आप यहाँ से इसे ईजिली बाय कर सकते हैं। हम बात करेंगे इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी कुछ फोटोज दिखा देता हूँ, जैसे कि ये फ्रंट और बैक की फ़ोटो है, और ये आई इसकी बैक की फ़ोटो। और फिर हम इसके साइड की बात करें तो साइड भी सेम टू सेम आईफोन की तरह है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इसका साइड में माइक लगा हुआ है, और ये डबल कैमरा भी इसमें दिया गया है, और इसमें आपको सेम टू सेम आईफोन्स की फैसिलिटी मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो ये आपका डिस्क्रिप्शन दिया है, इसको तो आप छोड़ ही दें, अब डायरेक्ट की फ़ीचर्स के बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं। तो इसकी डिस्प्ले है 4.7 इंचेस की, जो कि रेटिना फुल डिस्प्ले है, और 16M कलर्स हैं जो कि इसमें बहुत ही अच्छे हैं, जो कि आईफोन में भी 16M कलर्स मिल जाएंगे आपको। और इसमें 3D टच भी आपको मिल जाएगा, और OS 10.1 की फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। कैमरा, अगर हम बात करें कैमरा की, तो प्राइमरी कैमरा 12 मेगापिक्सल का और सेकेंडरी कैमरा 7 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो CPU में तो आपका ऑक्टा कोर आपको पता ही होगा, 2.9 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर। और देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 3D टच इसमें दिया गया है, तो यहाँ पे 3D टच का ऑप्शन भी आ गया। लाइव फ़ोटो कैप्चर तो आप कर ही पाएंगे, 12 मेगापिक्सल का कैमरा है। और एप्पल्स ओरिजिनल फिंगरप्रिंट सेंसर, तो यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है, जो कि आपके होम बटन की तरह काम करेगा। और 4G LTE सपोर्टेड है, जो कि आपका जियो भी इसमें चल जाएगा। तो अगर हम बात करें इसके सबसे मेन की फ़ीचर की, जो कि है रैम एंड रोम, तो रैम आपको यहाँ पे 4 GB की मिल जाएगी और रोम 64 GB, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और अगर हम इसके कैमरा की जूमिंग क्वालिटी की बात करें, तो ये 10x डिजिटल जूम का ऑप्शन इसमें मिल जाता है। और अगर हम स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करें, तो 750 से 1334 की आपको यहाँ पे पिक्सल्स मिल जाएंगे।
तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे इसके स्पेसिफिकेशंस हैं, और यहाँ पे आपको सेंसर्स मिल जाएंगे, फिंगरप्रिंट सेंसर, जी सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, लाइट सेंसर, ई कंपेस, एंड इसमें बहुत सी सेंसर है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, और यहाँ पे कंट्रोल सेंसर और सेंसिटिव टच भी मिल का फीचर भी आपको मिल जाएगा। तो जो मैंने आपको की फ़ीचर बहुत ही शॉर्ट में डिफ़ाइन कर दिए हैं, तो वो यहाँ पे उसकी ब्रीफली दी गई है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे बैटरी की, तो लियोन की बैटरी दी गई है यहाँ पे, और वो भी 6200 mAh की, जो कि आपको कहीं भी इतने इंच के मोबाइल फ़ोन में नहीं मिलेगी, 4.7 इंच के मोबाइल फ़ोन में, और 2.0 GHz के ऑक्टोकोर प्रोसेसर में 6200 mAh की बैटरी आपको नहीं मिलेगी। तो इसकी सबसे बड़ी खास बात इसकी बैटरी हो जाती है, और आपको यहाँ पे बहुत ही स्पेसिफिकेशंस मिल जाएंगे। अब यहाँ से आप इजीली ऑर्डर कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको हमारे वीडियो की अच्छी बातें और जो आपको इसमें कमियाँ लगी हैं वो अपने आपको कमेंट में शेयर करनी है, तो मैं इसका कमेंट